वेलकम टू कृति पटेल सीरियल चैनल और मैं कृति पटेल आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम अगेन ही वीडियो लेके आए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगेगा। चल रही है वेट लॉस जर्नी और उस जर्नी में मुझे थोड़ा सा मतलब अपने आप को क्या है कि मेनटेन करना है। ओके, तो मैं इसके रिगार्डिंग बहुत सारा प्रयत्न कर रही हूँ, इतने एफर्ट्स डाल रही हूँ कि मैं एक जो मेरा टारगेट है ना वो वहां पे मैं पहुंच सकूँ। तो उसके लिए मुझे डिफरेंट 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 कुछ ना कुछ ट्राई करना पड़ता है। ये वाला मैंने पहले ट्राई किया था बट मुझे ये बहुत ही तो सच्ची बताओ ना तो मुझे इतना पसंद आया तो मैंने सोचा चलो मैं ये चीज आप लोगों के साथ शेयर करूं। शायद हो सकता है कि मेरे साथ साथ कई ऐसे लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं वो भी अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, उनसे भी बहुत ज्यादा टायर्ड नहीं हो पाता है या उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। लाइक काम होता है ना तो भूखे पेट काम नहीं होता है। कई लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि लोग वो लोग ऐसे ही मतलब टायर्ड करके अपना वेट लॉस नहीं कर सकते हैं। कई लोगों का ये होता है कि वो लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, राइट। तो वेट लॉस जर्नी में सबसे मेन पॉइंट होता है डाइट। आप मतलब डाइट कैसा लेते हो वही होता है। एक्सरसाइज 20% वर्क करता है, 80% अगर कोई वर्क करता है तो वो है आपकी डाइट। तो मैं अभी एक्सरसाइज नहीं कर पा रही जस्ट बिकॉज कि मेरा बिजी शेड्यूल होता है। मैं थोड़ा सा ही करती हूँ, वो अभी मैं आप लोगों के साथ मैंने इसका थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाया हुआ है, मैं वही आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियोज में शायद शेयर कर दूंगी। वेट लॉस जर्नी करना चाहते हो और आप भी अपना मतलब पेट भर खाना खाने के बाद भी आप अपना वेट बढ़ाना नहीं चाहते तो ये चीज आपके लिए है। जो आपके घर में ही पड़ी चीजों से बनने वाली बहुत ही बढ़िया सी चीज है। तो अगर आप चाहते हो तो वीडियो के अंत तक देखना और वीडियो में बने रहना, इससे पता चलेगा कि मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ, राइट। अगर आज आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, आते तो हो फिर भी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो ना, तो प्लीज यार चैनल को कर लो सब्सक्राइब। आप इसके बेल आइकन पर और ऑल पे भी क्लिक कर लेना जिससे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड ये सब कुछ सारे वीडियो को फर्स्ट टू लास्ट तक देखना है, स्किप कर करके ना देखो, फर्स्ट टू लास्ट तक देखो। इससे लाइक कमेंट शेयर करते रहो और आप चाहो तो ज्वाइन बटन क्लिक करके मेंबरशिप भी ले सकते हो। अगर आप मुझे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। हम आ गए हमारे किचन में और हम बना रहे हैं हमारी वेट लॉस जर्नी के लिए कुछ बहुत ही स्पेशल, जो इतना स्पेशल है आप कभी भी इसे ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो, आप इसे लंच में भी खा सकते हो, आप इसे डिनर में भी खा सकते हो। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। हाँ, मैं आज अगेन एक रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही मतलब इतनी हेल्दी रहने वाली है ना। और तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी जिसके लिए मैंने लिया है मूंग की दाल। मैंने ये वाली मूंग की दाल ली हुई है जिसको मैंने 2 घंटे तक भिगो के रखा था। हाँ, 2 घंटे तक आपको इसको भिगो के रखना है। अगर आप इसको भिगो के रख कर नहीं रख करना चाहते तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये ऐसी वाली मूंग की दाल आती है ना तो उसको रोस्ट कर लीजिए और उसके बाद इसे ग्राइंड करके एक डिब्बे में भर लीजिए। जब भी आपको इस चीज की रेसिपी खाने का मन करे आप इसे आधा घंटे पहले भी भिगो कर बना सकते हो। तो मैंने इसको बहुत ही अच्छे से 2 घंटे तक भिगो कर रखा है। साथ में मैंने लिया है चॉप ऑनियन, एक बड़ा वाला ओनियन जो था मैंने ऐसे ही रफली चॉप कर लिया है। साथ में मैंने लिया है गार्लिक, गार्लिक यहाँ थोड़ा सा ज्यादा लिया हुआ है क्योंकि इसका टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है। और इसके साथ जाएंगे हमारे रूटीन मसाले जो बहुत 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 ही अच्छे से इस रेसिपी को टेस्ट देते हैं। तो अब हम करते हैं पहले इस जो और सबसे पहले हम ये जो मूंग की दाल है इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। इसका एक बैटर बनाना है, बैटर ऐसा बनाना है जो बहुत थिक ना हो, बहुत थिन ना हो और जो दरदरा पिसता है ना ऐसा वाला हमें इसका बैटर चाहिए। अब सबसे पहले हमने ले लिया है एक मिक्सी का जार जिसमें हमने जो दाल को भिगो कर रखा था उस दाल को हम डाल देंगे इसके अंदर।
और यहाँ पे मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ी सी लहसुन। और हम क्या करेंगे, इसके जो मसाले हैं ना, हम पीसते हैं ना उसी वक्त इसमें ऐड कर देंगे। अगर हमने सिर्फ दो ही चीज लेनी है, एक लिया है मैंने हींग, आप अपने टेस्ट के हिसाब से, मूंग की दाल होती है प्रोटीन वाली, जब भी हम कुछ चीज खाते हैं ना तो थोड़ा सा इसमें हींग डाल दीजिए, वो बहुत ही बेटर रहता है। और इसके साथ हम टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक भी इसमें ऐड कर रहे हैं। हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और इसे बंद करके हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। और ये हमारा अच्छे से पीस कर रेडी है का 1 इंच का टुकड़ा और 4-5 हरी मिर्च डाल के इस स्टेज पे आपको पीस लेना है। फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, मतलब फेटेंगे। ओनियन चॉप करके रखे थे ना, आपको इसके अंदर डाल देनी है। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमारा बैटर, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा पोर्शन ऐसे लेंगे और इसके अंदर डालेंगे। मैंने थोड़ी सी लो कर ली है और उसके ऊपर हम ये एक ढक्कन डाल देंगे। एक्चुअली आपके पास पैन, अच्छे से देखते हैं कि ये हमारा कुक हुआ है कि नहीं। यस, अब हम इसे पलट लेंगे। ये हमारा अच्छे से पक गया है। आप देख रहे हो कि मैंने कहीं पे भी ऑयल यूज नहीं किया है, बिना ऑयल के ही हमने इसे निकाला है। अब हम इसे एक प्लेट में रख लेते हैं कि हमारा बन के रेडी है। हम इसे टेस्ट करवाते हैं कि कैसा बना है। चलिए, क्यों बनी शे, क्या मानुष है। डाइट वालों फुल, मतलब जो डाइट वाला खाना हम खाते हैं ना, इससे उब जाते हैं। नहीं ना, अच्छा लगता है ऐसे खाना होता है तो, डाइट वाला खाना भी अच्छा लगता है ना। सही है, चलो एंजॉय करो, मैं दूसरा लेके आती हूँ। फटाफट से पूरा खाना देती हूँ, आप भी इस इसको अपने घर पे ट्राई करो, कैसा बना है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी रेसिपी हेल्दी भी होती है, टेस्टी भी होती है, वेट लॉस में आप इसे खा के कभी नहीं उगते, तो एक बार घर पे प्लीज 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 ट्राई करना और कमेंट करके बताना कि ये वाला रेसिपी कैसा लगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल अलग से नए कंटेंट नए वीडियो के साथ मिलती हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, लव यू ऑल।